हेलो वेलकम बैक, मैं डॉक्टर कुलवीर सिंह। अज आपां गल करांगे जिहड़ा पसीना ज़्यादा आंदा उहदे बारे च, वी क्यों पसीना ज़्यादा आंदा एक्सेस च, क्योंकि नॉर्मली जिहड़ा पसीना सानूं सारिआं नूं आंदा थोड़ा, तो जे बहुत ज़्यादा आंदा आपां उहदे बारे च गल करनी है, उहदे की कारण ने, जे ज़्यादा आंदा तां उत्थे असीं की करना, तो होम्योपैथी मैडिसिन असीं कहड़ी लैके ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पसीना आता तो बंदा बड़ा म्यूसी महसूस करता है, कंपनी च जाने तो डरता है, कई बार पसीने जो बड़ी स्मैल आती है, तो वह थोड़ा अपने आप लोगों च एक्सपोज करने तो अवॉइड करता है। हुण पसीना सानू आउंदा ज़्यादा क्यों आ, क्योंकि साडे जिहड़ा शरीर के अंदर स्वैट ग्लैंड होंदे ने सारी स्किन ते, जदों भी साडा शरीर गर्म हो जाएगा, चाहे वह किसी भी कारण करके होया, चाहे असीं हीट च गए हां जां एक्सरसाइज कीती आ जां असीं सानू बुखार है, जदों भी कोई भी कारण होगा साडा शरीर गर्म होने का, तो साडा नैचुरली स्वैट ग्लैंड सक्रीशन देणगे, पसीना आएगा सानू, उहदे नाल जिहड़ा साडा शरीर ठंडा हो जाएगा, इहदा नॉर्मल प्रोसैस है। जे पसीना ज़्यादा आंदा तो उहदे की कारण ने, इहनू असीं दो कैटागरियां च वंडिया होया, हाइपर हाइड्रोसिस नू, एक तां हैगी प्राइमरी जां फोकल, दूसरी हैगी सेकेंडरी जां जनरलाइज। जिहड़ी प्राइमरी जां फोकल है वह कैटागरी दे विच ओह पर्सन आते हैं जिहड़ियां दे मम्मी डैडी नूं जां खानदान दे विच किसी नूं पसीना आता, एक जने नूं चाहे दोनों नूं आता, क्योंकि उन्होंने जीन्स दे विच देखा गया भी थोड़ी बहुत ही म्यूटेशनस आंदियां ने, तो उन्होंने भी पसीना आएगा, पर जिहड़ा आएगा वह 25 साल की उम्र तो पहले ही शुरू हो जाएगा, यह नहीं है भी उन्होंने लेटर लाइफ जाके शुरू होगा। तो दूसरा जे आऊगा तो जिवें सपोज कर लो एक हथ ते नहीं आएगा, तो आए जे हत्थां ते आंदा तो दोनों हत्थां ते आएगा, पैर ते एक ते नहीं आएगा दोनों ते आएगा, सिर च भी आ सकता, चैसट ते भी आ सकता, बैक ते भी आ सकता, पर यह नहीं है भी एक पासे आएगा। तो दूसरा जदों रैसट पीरियड जां भाव सुत्ता पिया जिवें रात नूं, तां उदों उहनूं पसीना नहीं आएगा फोकल दे विच, फोकल कैटागरी वाले नूं, क्योंकि यह जिहड़ा हैगा जे नॉर्मल टैंपरेचर है उत्थे कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है कि फिर नहीं उन्होंने पसीना आएगा, आराम रैसट करते हुए। तो होर ये की एक्साइटिंग कारण होंगे ने फोकल वाले जां प्राइमरी दे विच, जदों कई कई स्मैल ने जां ऑर्डर ने जिहड़ियां उहदे नाल वी उहदे च एक्साइटड हो जाता पसीना ज़्यादा आ जाता, जिवें कई खाने वाली चीज़ां ने, खाने वाली चीज़ों के जिवें सिट्रिक एसिड हो गया, जिवें ऑरेंज हो गया, जां इस तों इलावा खाण पीण दे विच चॉकलेट खा लवे उह, जां कोई कॉफी पीती है, कोई उन्हें मसालेदार चीज़ा खा रहा जां गर्म खा रहा, पीनट बटर खा रहा, इन्हां नाल भी जिहड़ा हैगा उहदा एक्साइटिंग कारण उहनूं पसीना आएगा, तो जां बहुत ज़्यादा टेंशन च है, उन्होंने एंजाइटी है, डिप्रैशन हुई है, जां बहुत ज़्यादा स्ट्रैस च आया, उहदे च भी उन्होंने पसीना वध जाएगा। तो इस तों इलावा जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तां भी उन्होंने पसीना आ सकता, जो हीट च गया है तां पसीना आ सकता, एक्सरसाइज कर रहा तां आ सकता, जां वो कोई मॉइस्चर ज़्यादा मॉइस्ट है उत्थे भी पसीना उहनूं आ सकता है। जिहड़ी दूसरी कैटागरी है जनरलाइज जां जिहड़ी सेकेंडरी कैटागरी है उहदे विच कोई कारण हुंदा जिवें डिसीज़ होगी जां कोई एलोपैथिक मेडिसिन होगी। हुण डिसीज़ दे विच जे आपां गल करिए डायबिटीज़ भी हो सकती है, तो जां शुगर हो वधी भी हो सकदी है, शुगर घटी भी हो सकदी है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकदा, पार्किंस डिसीज़ भी हो सकदी है, जां इस तों इलावा कई मेडिसिनस ने जिवें नैप्रोक्सन है, जां जिंक सप्लीमेंट लै रहा, जां एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लै रहा बंदा, जां इंसुलिन है उहदे नाल भी पसीना ज़्यादा आएगा उहनूं। इस तों इलावा कैंसर हो गया जिवें हॉजकिन डिसीज़ है, लिम्फैटिक सिस्टम का कैंसर है, जां बिनाइन ट्यूमर हो गया एड्रीनल ग्लैंड दे विच, तां वी उहनूं पसीना ज़्यादा आएगा। इस तों इलावा जो उहनूं इनफेक्शन है जिवें ट्यूबरकुलोसिस है तां वी उहनूं जिहड़ा पसीना ज़्यादा आएगा। इस तों इलावा जो हीट च है, एक्सरसाइज कर रहा, मॉइस्चर ज़्यादा है तां वी उहनूं पसीना ज़्यादा आएगा, जां उहनूं बहुत ज़्यादा स्ट्रैस हो गया, डर गया, एंजाइटी है, उत्थे वी उहनूं पसीना जिहड़ा ज़्यादा आएगा। तो इस तों इलावा होर इहदे च की कारण हो सकते ने जनरलाइज दे विच, जिहड़ा मेन कारण होर होएगा मीनोपाज की स्टेज है जिवें लेडीज़ दे विच, उत्थों पसीना ज़्यादा आएगा, जां हाइपरथायरॉयडिज़म दे विच भी जिहड़ा पसीना उहनूं ज़्यादा आएगा। इह तां हो गए इहदे कारण भी उहनां कंडीशनस दे विच ज़्यादा पसीना आएगा। तो जे जिहड़ा हुण इत्थे असीं अवॉइड की कर सकते हैं, भी असीं इदां रखीए भी सानूं जिहड़ी स्मैल है थोड़ा अपना नहाउण धोउण दा ध्यान रखिए, जिहड़ी क्लीनाइनैस है जां अपने आप नूं क्लीन रखणा उह ज़्यादा कर लईए, तो कोई डिओडरेंट वगैरह भी आपां यूज़ कर सकते हैं। तो इस तों इलावा आपां जिहड़े कपड़े नूं वैसे पाईए जिन्हां दे विच ही थोड़ा हवा लगती रहे, सानूं पसीना घट आवे, तो असीं जिहड़ा जदों भी असीं किसी नूं मिलना है जां जाणा तां असीं अपने आप नूं थोड़ा कूल एंड काम रखिए, तां एक्साइटड ज़्यादा ना होईए जां ज़्यादा असीं डरीए ना, उहदे नाल भी जिहड़ा पसीना सानूं घट आएगा। तो दूसरा यह हुंदा वी सानूं जदों पसीना आंदा तां इरीटेट जां अंदर अंदरों खिज नहीं जाना चाहिए भी मैनूं पसीना आ रहा, मैनूं पसीना आ रहा, तां उहदे नाल होर ज़्यादा आई जाएगा, सानूं उत्थे अपने आप नूं कूल ते काम रखण दी लोड़ है, उहदे नाल जिहड़ा साडा पसीना उह कंट्रोल च रहेगा। जे फिर भी सानूं जरूरत पैंदी है मेडिसिन दी, क्योंकि इत्थे कंप्लीकेशन भी हो सकदियां ज़्यादा पसीना आउंदा, एक तां सानूं मेन तां सोसाइटी जाण तों सानूं वधिया ही लगदा, क्योंकि
अपने आप को बंदा भिजिया भिजिया जा कपड़े भिजे हूँ सोहना नहीं लगता, तो दूसरा समैल भी हो सकती पसीने चो। तो इस तो इलावा कई बार जो ज़्यादा पसीना आता तो साढ़े इरप्शन भी हो सकती ने, स्किन का कलर चेंज हो सकता, कई बार उत्तर कट पै सकता, स्किन खराब हो सकती है, तो एक कंप्लीकेशन आ सकते कोई बैक्टीरियल इनफेक्शन हो सकती है। तो फिर जो हम असू सू मेडिसन की लड़ पैंती होम्योपैथी तो उत्ते आप कर सकते हैं, आप कुछ मेडिसिन डिस्कस कर लेना तुम यूज़ कर सकते हो जे तुम सिमटम्स मिलने, जे सिमटम्स नहीं मिलते तो किसी को कंसल्ट करना, मैंने भी कर सकते हो किसी भी होम्योपैथ को कंसल्ट कर सकते हो। अपने आप मेडिसिन है जी वो नहीं लेनी। सब तो पहला आँदी है मेडिसिन चाइना, चाइना ऑफिस नैलिस, ये की होंगे पेशेंट को इन्ना ज़्यादा पसीना आता भी गुड़च होया रहा पसीने नाल, तो उन्होंने कमजोरी महसूस करता, पसीने आने वीकनेस महसूस करता, तो वो कपड़िया का कलर भी येलो हो सकता, पसीने चो समैल भी हो सकती है, जिते बहुत ज़्यादा पसीना गुड़च होया रहा है तो कमजोरी महसूस करता, उत्थे आप चाइना ऑफिस नैलिस 30 पोटेंसी लेनी है सवेरे दुपहरे शाम एक एक ड्रॉप 3 टाइम, वो पसीना भी ठीक हो जाएगा, जी कमजोरी होंगी वो भी ठीक हो जाएगी। नैक्सट मेडिसिन हैगी साड़ी मर्कसोल, मर्कसोल उत्थे लेनी है जिते बहुत ज़्यादा पसीना आता, पसीने चो समैल भी है, तो पसीना कपड़े का कलर भी पीला करता, तो वो जे आप नॉर्मली भी देखिए तो वो स्किन है जी मॉइस्ट ही रही है थोड़ी थोड़ी, वह कदम भी वह पसीना सुकता ही नहीं, तो नाले जे उन्होंने पसीना आ भी जाता तो आराम महसूस नहीं करता, उल्टा इरीटेट होंगे। उत्थे आप मर्कसोल 30 पोटेंसी लेनी है सवेरे दुपहरे शाम एक एक ड्रॉप 3 टाइम। नैक्सट मेडिसिन हैगी है सैनीकूला, सैनीकूला के होंगे कच्छा के बहुत पसीना आता, समैल आती है पैरों से बहुत पसीना आता, वो समैल आती है, तो जोड़ा पसीना होएगा वह एकड़ होएगा, तो ये असर सिकरी भी हो सकती है, तो उत्थे आप सैनीकूला लवेंगे 30 पोटेंसी सवेरे दुपहरे शाम एक एक ड्रॉप 3 टाइम। नैक्सट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के होंगे उन्होंने भी कच्छा के पसीना आता, पैरों से भी आता, हाथों से भी आता, बड़ी ओफेंसिव समैल वाला पसीना आता है, तो कई बार ये जी बैक इंजरी जिमें अपने प्राइमरी जो प्राइमरी वाले डिस्कस किया बैक इंजरी करके पसीना आता, तो एसिड नाइट्रिक के भी कई बार बैक इंजरी भी एक कारण होंगे वो करके ही पसीना आता, उत्थे भी आप जी है एसिड नाइट्रिक 30 पोटेंसी के यूज़ कर सकते हैं। इस तो नैक्सट मेडिसिन आती है सलीशिया, सलीशिया के होंगे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता, वो सिर च बहुत पसीना आता, पैरों में भी बहुत पसीना होगा, हाथों में भी बहुत पसीना होगा, तो वो समैल भी आएगी पसीने चो, मोस्टली वो कॉन्स्टिपेटड होएगा, जे बच्चे ने तो वह जो टिड्डा थोड़ा बढ़िया होएगा नॉर्मल नालों बाकी शरीर के कंपैरिजन, लत्तां ते चेस्ट के कंपैरिजन, बाहां के कंपैरिजन टिड्डा थोड़ा बड़ा होएगा, मोस्टली कॉन्स्टिपेटड होएगा। उत्ते आपां सलीशिया देनी है 30 पोटेंसी सवेरे दुपहरे शाम एक एक ड्रॉप, और दूसरा यह थोड़ा डरदा भी होएगा, पेपरों से भी घबरांदा होएगा, किसी को मिलने तो भी घबरांदा होएगा सलीशिया वाला पेशेंट, यह 3 टाइम वरतना पा, एक एक ड्रॉप सवेरे दुपहरे शाम 3 टाइम। जे पेशेंट की कल जी पसीना है गर्दन पर आता, तो बाकी शरीर पर घट आता, सिर्फ गर्दन पर ज़्यादा पसीना आता, तो उत्ते आपां लैक्स 200 की एक खुराक लेनी है, कुछ चिर वेट करनी है, वो नाल ही वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो इस तो इलावा मेडिसिन आदि ब्राइटाकार, ब्राइटाकार आप देनी है उत्थे जिते पैरों में बहुत पसीना आता, तो उस बहुत ज़्यादा समैल आती है, तो दूसरा जो बंदा है ज चाहे वह बच्चा वह जो ब्रेन है वो इन्ना डिवेलप नहीं होया, थोड़ा डवार्फिश है, तो वह मेंटली थोड़ा वीक हुंदा बाकी अपने एज के कंपेरिजन, थोड़ा भुलेगा भी, थोड़ा बुद्धू टाइप होएगा, उत्थे आप ब्राइटाकार देनी है जिते पैरों पसीना आता, बड़ी समैल है, तो नाल वो डवार्फिश है मेंटली, 30 पोटेंसी देवे, दोनों चीज़ा ठीक हो जाएगी सवेरे दुपहरे शाम एक एक ड्रॉप देने नाल। दोस्तों जी मैं थोड़े जानकारी साझी की, तुम्हें वधिया लगी मेरी वीडियो लाइक कर सद, शेयर कर सद, चैनल पर नवे चैनल में सबसक्राइब कर लो, बैल बटन में भी दब लो, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।